नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे। गाजियाबाद के भोजपुर थाना पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है। अपहरण के केस को भी गंभीरता से पुलिस ने नहीं लिया। दिसंबर 2020 में नाबालिग लड़की को अगवा किया गया था। पुलिस आज तक लड़की का सुराग नहीं लगा पाई है। लड़की के परिजनों ने पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिजनों की गुहार नहीं सुन रहे हैं एसएचओ धर्मेंद्र कुमार। आरोपी मनीष ब्रजपाल और अनुज के दबाव में नहीं हो रही है कार्रवाई। अब अपहरण से दो दिन पहले का वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में आरोपी लड़की के साथ मारपीट कर रहा है। तो बता दें कि गाजियाबाद की एक खबर है जहां पर भोजपुर थाना पुलिस की लापरवाही सामने आई है। अपहरण का केस को गंभीरता से पुलिस ने नहीं लिया है। अभिषेक पंडित संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पुलिस की एक लापरवाही हमारे सामने आई है कि अपहरण को केस को भी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। पूरा मामला आखिर क्या है? जी, ये लगातार आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद पुलिस काफी विवादित दिखाई देती है और सुनते हम। वहीं ये थाना भोजपुर का मामला है। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया और भोजपुर पुलिस तमाशा देखती रही, ना कुछ भी बताने को राजी नहीं है। वहीं लड़की के जो माता पिता है उनका साफ तौर पर कहना है, हम एसएसपी, एसपीआरए, आईजी, सीएम पोर्टल पर कार्रवाई कर चुके हैं, उसके बावजूद हमारी कार्रवाई ठीक से नहीं की जा रही। अभिषेक, आखिरकार जी जी बताएं, आखिरकार भोजपुर थाना पुलिस किसके दबाव में है? सबसे बड़ी बात यह सवाल उठता है। अभिषेक, पीड़ित परिजनों का ये भी कहना है कि उन्होंने एसओचओ तक से गुहार लगाई लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आखिर आम जनता किसके पास जाएगी? जो पुलिस, जिनका ये दायित्व होता है कि वो लोगों की परेशानियों को दूर करे, जब वही उनकी परेशानियां नहीं सुन रहा है, जब वही उनकी गुहार नहीं सुन रहा है, तो आखिरकार जो लोग हैं वो किनके पास जाएंगे? आपका कहना ठीक है, लगातार माता पिता भी गुहार लगा रहे हैं और आला अधिकारियों के पास भी जाकर गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही लगातार पुलिस से, इसलिए लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अभिषेक, तो क्या ये मिली भगत है? क्योंकि आरोपियों का जो वीडियो है वो सामने आ चुका है, मुकदमा दर्ज है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वही दबाव में, पहले ये हो रहा था कि जो आरोपी मनीष ब्रजपाल और अनुज है उनके दबाव में आकर कार्रवाई नहीं हो रही थी। जी, लगातार जो पीड़ित पक्ष है वो, उनका साफ तौर पर कहना है वो रसूखदार परिवार से है, इसके कारण पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। और लगातार आप देख सकते हो, 2 दिसंबर में पहले झगड़ा होता है, उसके बाद नवंबर में भी एक झगड़ा होता है, उसके बाद ये लापता हो जाती है, 3 दिसंबर को मुकदमा दर्ज होता है और अभी तक 2 से 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये गाजियाबाद की पुलिस का चेहरा है जो नाबालिग लड़की के अपहरण होने के बावजूद उस मामले को हल्के में ले रहा है और उस पर गंभीरता बिल्कुल नहीं बरत रहा है। पीड़ित परिजनों के गुहार लगाने के बावजूद एसएचओ की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आरोपियों को नहीं पकड़ा जा रहा है, आरोपियों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि कार्रवाई ना हो और पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर रही है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। बिना नाम लिए इशारों में सपा और बसपा पर जमकर सीएम योगी ने हमला बोला है। पिछली सरकारों ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, ऐसा सीएम योगी ने कहा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले योजनाएं बनती थी लेकिन लागू नहीं हो पाती थी। बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ समाप्त हो जाने के साथ ही खत्म हो जाती थी। सीएम योगी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधते हुए साधा है। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं तो बनती थी लेकिन वो लागू नहीं होती थी। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं इससे कई गुना पैसा इससे पहले खर्च होता था, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि योजना समय से बनती नहीं थी,
समय से लागू नहीं हो पाती थी, और जब समय से नहीं लागू हो पाती थी तो समय से पूरी भी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण ये मान्यता थी कि बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ आने के पहले बनती हैं और बाढ़ समाप्त होने के साथ ही समाप्त भी हो जाती हैं। आज उस मिथक को विभाग ने तोड़ करके कि नहीं, बाढ़ की परियोजनाएं हम जनवरी से कार्य प्रारंभ करेंगे, 15 मई के अंदर कंप्लीट करेंगे, और 15 मई के बाद बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग करेंगे। जो ये विश्वास है, ये विश्वास आम जनमानस की एक पूंजी बननी चाहिए, हमारे किसानों की एक पूंजी बननी चाहिए। जो बाढ़ के कारण उसकी फसल को व्यापक क्षति होती थी, इस क्षति से हम उसकी फसल को बचा सकें और उसे सम्मान के साथ जीने का एक अवसर भी हम दे सकें। एक निश्चित चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है, और हमें तकनीक का उपयोग करके बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तो अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी को स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी सामने आई है। गाड़ी चलाते समय थूकने और गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगेगा। यूपी सरकार गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाएगी। लोगों में सफाई की आदत डालना और शहर को साफ रखने के लिए ये तैयारी की गई है। नियमावली 2021 को जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी। नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं। बड़े शहरों में गंदगी फैलाने वालों पर 1000 का जुर्माना लगेगा। तो शहर को साफ रखने के लिए योगी सरकार की नई पहल है। योगी सरकार ने स्वच्छ यूपी को स्वच्छ बनाने के लिए ये बड़ी तैयारी की है। अब गाड़ी चलाते समय जो लोग थूकते थे सड़कों पर, गंदगी फैलाते थे, कूड़ा करते थे, उन पर जुर्माना लगाएगी यूपी सरकार। यूपी सरकार गंदगी फैलाने वालों पर अब जुर्माना लगाएगी, उन पर नकेल कस रही है। लोगों में सफाई की आदत डालना और शहर को साफ रखने के लिए ये तैयारी योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि नियमावली 2021 को जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी भी की जा रही है। नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों से राय और सुझाव मांगा है। साथ ही बड़े शहरों में गंदगी फैलाने वालों पर 1000 का जुर्माना लगेगा। सिंगापुर की तर्ज पर स्वच्छ होगा यूपी। हेडर, यूपी में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाएगी योगी सरकार। सड़कों पर अगर थूका या फिर कोई सामान फेंक गंदगी फैलाई तो 1000 का जुर्माना। कूड़ा करकट सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और इधर उधर नहीं फेंके जा सकेंगे। मकसद लोगों में सफाई की आदत डालना और शहर को साफ सुथरा रखना है। यूपी ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 को जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। घरों से निकलने वाले कूड़े को उठाने के लिए डोर टू डोर इसे एकत्र करने की व्यवस्था है। यूपी में सामूहिक आयोजन के बाद सफाई कराना जरूरी होगा। सफाई नहीं कराने पर आयोजकों को भरना पड़ेगा जुर्माना। जुर्माने की यह राशि क्षेत्रफल, कचड़े और के हिसाब से तय की जाएगी। फेरी या फिर पटरी पर दुकान लगाने वाले इधर उधर गंदगी नहीं फेंक पाएंगे। उन्हें निकलने वाली गंदगी को रखने के लिए बंद डिब्बा अपने पास रखना होगा। खुले में नाले और नालियों में कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध होगा। सोसाइटियों के अंदर की गलियों को रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी वालों को साफ कराना होगा। निजी सोसाइटी की गलियों में सफाई के लिए निकाय अब शुल्क लेंगे। इसके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को निकायों में पहले प्रार्थना पत्र देना होगा। लंगर या पूजा पंडालों में अब अनिवार्य रूप से कूड़ा फेंकने के लिए डिब्बा रखना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस डिब्बे को निकाय की कूड़ा गाड़ियां ले जाएं। लापरवाही पर आयोजन समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत का मंच टूट गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया। जींद की महापंचायत में प्रस्ताव को पास किया गया। जींद में महापंचायत प्रस्ताव पास हो गया है। उसी दौरान
हरियाणा के जिन में जो किसान की महापंचायत हो रही थी उसका मंच टूट गया, इस महापंचायत को राकेश टिकैत संबोधित कर रहे थे। इससे पहले भी महापंचायत मुजफ्फरनगर, शामली, इन तमाम जगह हो चुकी है। वहीं आज हरियाणा के जिंद में ये महापंचायत हो रही थी, जिस दौरान महापंचायत का मंच टूट गया। वहीं हरियाणा में जो ये महापंचायत हो रही थी उसका मंच टूट गया, जिसको राकेश टिकैत संबोधित कर रहे थे। प्रस्ताव में क्या क्या पास हुआ? तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, 26 जनवरी को गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए, किसान आंदोलन में दर्ज केस वापस हो, अगली खबर का रुख करेंगे। लव जिहाद कानून पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा है। हाईकोर्ट का फैसला देखने के बाद सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। लव जिहाद कानून को लेकर, सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है याचिकाकर्ताओं से। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, उसके बाद जो है हाईकोर्ट का फैसला देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सरकार मामले को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार मामले को देख रही है, हमने पीएम मोदी का भी बयान देखा है, हम मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं, मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, कानून अपना काम करेगा। तो वहीं अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले को की सुनवाई को लेकर भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे मामले में दखल देना नहीं चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है कि सरकार मामले को देख रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम के बयान को भी सुना है। किसान आंदोलन पर विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। सदन में चर्चा के बाद विदेश कानून बना है। पुलिस ने, विदेश मंत्रालय ने कहा कि पुलिस ने संयम का परिचय दिया है। आंदोलन प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है। कुछ किसान ही कानून के खिलाफ है। किसानों से बात कर रही है सरकार, कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं। किसान आंदोलन पर विदेश मंत्रालय का जवाब सामने आया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सदन में चर्चा होने के बाद ही कानून बनाया गया है। वहीं उनका कहना है कि पुलिस ने संयम का परिचय दिया है। बुलंदशहर जहरीली शराब कांड मामले में बड़ा अपडेट आया है। आरोपी पर पुलिस करेगी एनएसए की कार्रवाई। आरोपी यादराम पर सिकंदराबाद पुलिस एनएसए की कार्रवाई करेगी। बुलंदशहर के जीत गढ़ी शराब कांड का मुख्य आरोपी है यादराम। 8 जनवरी को जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की जान चली गई थी। मामले में जेल से जमानत के लिए अपील कर रहा था आरोपी। दिनांक 8 जनवरी को थाना सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव में शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस प्रकरण में अभियोग दर्ज हुआ था और उसी गांव जीतगढ़ी के रहने वाले कुलदीप, यादराम और मुकेश, ये 3 नामजद थे तथा अन्य अज्ञात थे। इनकी गिरफ्तारी की गई, जेल भेजा गया। इन अभियुक्तों में से यादराम ने बेल के लिए अप्लाई किया अदालत में, तो हम लोगों ने उसके विरुद्ध नशे की कार्रवाई की है और कल रात में